मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के एक वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर आज अपराह में प्रशासनिक भवन के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एवं वित्तीय परामर्शी श्री कैलाश राम की गरिमामयी उपस्थिति थी। प्रेस वार्ता में दरभंगा के सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने आगत पत्रकारों का स्वागत करते हुए गत एक वर्ष की उपलब्धियों को रेखांकित किया। प्रोफेसर अहमद ने विश्वविद्यालय की दैनिक गतिविधियों को प्रकाशित करते रहने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पत्रकार बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि अपनी उपलब्धियों की चर्चा में उन्हें संकोच होता है। गत एक वर्ष में जो उपलब्धियां हासिल हुई है वे सामूहिक प्रयत्न का परिणाम है। विश्वविद्यालय विभागों में अब तक 61 राष्ट्रीय एवं 12 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों के साथ ही 103 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हो गई हैं। शोधार्थियों के हितलाभ को देखते हुए कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन मौखिकी की व्यवस्था की गई। शोध की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एंटी प्लेजरिज्म सेल का गठन किया गया। वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रोफेसर सिंह ने सूचित किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान बनाने हेतु भारत सरकार के खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत प्रस्ताव भेजा गया है। विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश के अवसर पर विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं उसके महाविद्यालयों में पूरे साल कार्यक्रम होगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।